और ये इस तरफ में है सुग्रीव किला, देख सकते हैं उसी के सामने से रास्ता निकाला गया है। यहाँ पर निःशुल्क लॉकर की भी सुविधाएँ हैं, आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। सामने की तरफ बन रहा राम मंदिर, वहाँ काफ़ी दूर में, और ये देखिए हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, स्वागत है एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। मैं अभी हूँ अयोध्या में, अयोध्या जंक्शन पर अभी उतरा हूँ। मैं दिखा सकता हूँ इस तरफ में है अयोध्या जंक्शन, ये मेरी ट्रेन है जो बस्ती तक जाती है प्रयागराज से आकर के, और इधर देखिए इतनी बड़ी सी पार्किंग यहाँ बनाई गई है। और इस तरफ में है नया वाला रेलवे स्टेशन जो बनाया जा रहा है। तो आज हम आप सभी को ले चलेंगे श्री राम मंदिर निर्माण दिखाने के लिए, जहाँ पर निर्माण हो रहा है, और साथ ही साथ जो राम मंदिर के तरफ जो रोड नया बनाया जा रहा है उसको दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए यहाँ से निकलते हैं आप सबको दिखाते हुए। इस तरफ देखिए इधर से भी प्लेटफार्म से नीचे आ सकते हैं, सामने ये है पहले का, और उस तरफ जो बना है वो नया वाला स्टेशन बनाया जा रहा है। इधर देखिए ये पूरा पार्किंग एरिया है, इतनी बड़ी सी पार्किंग यहाँ पर बनाई जा रही है। यहाँ पर जो है इसको रोके हैं, यहाँ पर अंदर नहीं जाने देते, और इसका इसके सामने का भी रोड अभी बनाया ही जा रहा है पूरा कंस्ट्रक्शन। ये रास्ता सीधे जो है आपको अयोध्या राम मंदिर बाकी नया घाट तक लेकर के जाएगा, स्टेशन से बाहर जाने का यही मार्ग है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं ये है अयोध्या और फैजाबाद को जोड़ने वाला मेन मार्ग, जो राम पथ मार्ग के नाम से अब जाना जाएगा, पूरा फैजाबाद से लेकर के अयोध्या तक। और इसके जस्ट आगे जहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ, जहाँ वहीं पर है सुग्रीव किला जहाँ पर था, वहाँ से ही रास्ता जिस सीधे राम मंदिर कॉरिडोर के लिए बना दिया गया है, जो राम मंदिर पथ के नाम से जाना जाएगा। और ये इस तरफ में है सुग्रीव किला, देख सकते हैं उसी के सामने से रास्ता निकाला गया है। यहाँ पर निःशुल्क लॉकर की भी सुविधाएँ हैं, आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। तो चलिए सामने से इसको दिखाते हैं, और कितनी बढ़िया सा रोड बनाया गया है। सर हम देखिए यहाँ किनारे जो है ये पत्थर रखे गए हैं लगाने के लिए, और सब रोडों का निर्माण बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, क्योंकि राम मंदिर जो है जनवरी में भक्तों के लिए खोले जाने वाला है। यहाँ पर देखिए भक्त कितने सारे आते हैं, आप जो राम मंदिर जाने के लिए नया घाट से होकर के आना पड़ता था, इन गलियों से लोग कम जाते थे, लेकिन अब ये सीधा मार्ग हो गया है जो आसानी से लोग यहाँ से निकलेंगे। इस तरह देखिए यहाँ पर निःशुल्क लॉकर है, और यहाँ पर आप अपने सामान वामान जमा कर सकते हैं। और ये जो मुख्य पथ जो है बनाया जा रहा है, अभी निर्माणाधीन है, गेट यहाँ पर बनाया जा रहा है पीछे, और देख सकते हैं कितना प्यारा सा व्यू है यहाँ का। ये सब पत्थर जो है यहाँ पर अभी उतारे जा रहे हैं, और ये जो यहाँ पर लगने हैं बीच रास्ते में, और इधर आपको दुकानें मिल जाएंगी, आप यहाँ से जो है पूजा का सामान भी खरीद सकते हैं चढ़ाने के लिए, और घर ले जाने के लिए भी जो भी आप प्रसाद के रूप में ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा नज़ारा है यहाँ का। पूरा ये वाला मार्ग जो है ये राम मंदिर के बिल्कुल सामने तक जाता है, और इस तरह देखिए यहाँ पर जालियाँ लगी हैं। ये सारी जगह होंगे वो जो काफ़ी ज़्यादा निर्माण होना भी ये और ही बढ़िया बनेगा। ऊपर देख सकते हैं स्ट्रीट लाइटें लगी हैं जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं। इस तरफ में सुग्रीव किला, ये ऊपर का जो किला दिख रहा है, इसी के जस्ट बगल से इस रोड को जो है बना दिया गया। इस तरह हम देख सकते हैं सारी दुकानें हैं जहां से आप सामान ले सकेंगे, और ये मार्ग देख सकते हैं बीच में डिवाइडिंग की गई है। तो चलिए तेज़ी के साथ अब चलते हैं आगे की तरफ, और दिखाते हैं राम मंदिर जहां पर बन रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सारे जो है अभी पर्दे लगा दिए गए हैं ग्रीन वाले, जिससे गर्दा उर्दा कम उड़े, और ये डिवाइडर देख सकते हैं कितना प्यारा सा, और साथ ही बीच में ये पोल्स लगे हैं जो काफ़ी प्यारे। इधर से राम भक्त जो है दर्शन करके आ रहे हैं। सामने देख सकते हैं मशीनें लगी हैं जहाँ पर निर्माण हो रहा है, और देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ होने लगी इस वाले पथ पर। पहले ये बिल्कुल सकरा था, तो यहाँ से कम लोगों का आना जाना होता था, और यहाँ पर भी आपको सामने एक लॉकर मिल जाएगा जहाँ पर आप अपने सामान को निःशुल्क रख सकते हैं। कई पेड लॉकर भी यहाँ पर हैं, आप पैसे दे करके रख सकते हैं, और निःशुल्क लॉकर भी है। और सामने देखिए वहाँ पर निर्माण हो रहा, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं ऊपर, और नीचे का तल बन गया है। अंदर तो अलाउ नहीं करेंगे कैमरा ले जाना, लेकिन हम बाहर से आप सभी को दिखाएंगे। तो जब भी आप रेलवे स्टेशन से अगर आना चाहते हैं, तो रेलवे स्टेशन से जैसे आप मेन वाले मार्ग में आकर के मिलेंगे, उसके जस्ट आगे जो है
राम मंदिर कॉरिडोर चौराहा के नाम को दे दिया गया है सुग्रीव किले के पास, उसी से आप सीधे राम मंदिर आ सकते हैं अगर आप घाट तक नहीं जाना चाहते हैं, हनुमानगढ़ी नहीं जाना चाहते हैं पहले तो। और इस तरह में देखिए ये सारे निर्माण हो ही रहे हैं पूरा, सामने से एक रास्ता दशरथ महल होते हुए हनुमानगढ़ी की तरफ से सीधा जाके मुख्य मार्ग में फिर से मिल जाता है। और यहाँ पर ढेर सारे कैमरे बाकी ये सारी चीज़ें जो है लगाई गई हैं। इस तरह में सामने दिख रहा है राम अमावा मंदिर और यहाँ पर देखिए भक्तों की ढेर सारे भीड़ है, कुछ इस तरीके से नज़ारा है यहाँ का ये पूरा। और सामने की तरफ बन रहा राम मंदिर वहाँ काफ़ी दूर में, और ये देखिए इस तरह में पानी वानी पीने के लिए लगाया गया है वाटर। और इस तरह में अमावर राम मंदिर, ये वाला मार्ग जो है ये दशरथ महल होकर के हनुमानगढ़ी की तरफ निकल जाएगा, ये भी मार्ग बन रहा है काफ़ी चौड़ा बनाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए पुलिस वुलिस की गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, बाकी काफ़ी प्यारा सा नज़ारा। तो दोस्तों ये वाला मार्ग जो है ये दशरथ महल होकर के हनुमानगढ़ी की तरफ जाता है। और यहाँ देखिए ये है राम रसोई, जहाँ पर आपको निःशुल्क जो है भोजन कराया जाता है, देख सकते हैं। और यहाँ पर भी दुकानें वकानें ढेर सारी खुल गई हैं। और ये रोड पूरा RCC बनाया जा रहा है, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, यहाँ सब काम चल रहा था, लगभग पूरा हो गया है। सीवेज का जहाँ काम होना वहीं पर रुके हैं। इधर है राम अमावा मंदिर और इस तरफ में देख सकते हैं वो राम रसोई का जो है काउंटर है। तो दोस्तों अभी पहुँचे हैं दशरथ महल के पास में, और ये देखिए यहाँ पर रोड जो बन रहा था पहले वो लगभग कंप्लीट हो गया है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह पर रोका गया है। और इस तरह में दशरथ महल और इसका भी जो है कायाकल्प पूरा देख सकते हैं। और इस तरह में सारे घरे को एक तरीके से बनाया जा रहा है। ये है दशरथ महल का मुख्य द्वार, और हम चलते हैं आप सभी को लेकर के हनुमानगढ़ी की तरफ। इस तरह में दशरथ महल है यहाँ पर, और इस तरफ में रास्ता जाता है हनुमानगढ़ी की तरफ, और जो जाके मेन रोड में मिल जाता है। और इस तरफ मार्ग है कनक भवन का इस तरफ से, और इधर हनुमानगढ़ी आपको सामने दिख रही है। इस तरफ में ऊपर राज द्वार मंदिर है, और ये रास्ता पूरा देखिए एक तरीके से बनाया जा रहा है। यहाँ के घरों की डिज़ाइन जो हैं वो एक ही तरीके से बनाई जा रही हैं, मंदिर के आकार की जो सामने का डिज़ाइन है। बाकी यहाँ पर छोटी मोटी जो दुकानें भी लग रही हैं आने वाले समय में हट जाएंगी रोड के किनारे से। और देखिए इसी तरीके से कहीं कहीं पर रास्ता जो है भी खाली है, बाकी देख सकते हैं काफ़ी जो है भीड़ अब होने लगी है राम मंदिर दर्शन करने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं। तभी चल रहे हैं राम हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ, और वहाँ पर दिखाते हैं आप सभी को कितना जो है रोड बनकर कैसे तैयार हुआ, और वहाँ पर सारी जो है जब ये छोटी मोटी दुकानें थी हट गई हैं। इधर देखिए बाहरी लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस टाइम पर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी के सामने से सारी दुकानें हट गई हैं, रोड काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है, यहाँ की जो भी दुकानें थी वो भी देखिए हटा दी गई हैं स्ट्रीट फूड की। देखिए यहाँ पर अभी रोड टूटा है, बना नहीं है उसको बनाना, लेकिन यहाँ की जगह पहले जो सकरी गलियाँ थी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चौड़ी हो चुकी हैं पूरा इस तरह में। और आप हनुमानगढ़ी में मोबाइल भी ले जा सकते हैं, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, बैग के साथ में जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर भी आप दुकानों पर सामान रख सकते हैं। और इस तरफ में है हनुमानगढ़ी मंदिर सामने, और ये मार्ग सीधे जो है जाएगा जो मुख्य मार्ग से जो है मिल जाता है उधर सामने की तरफ। और इस पर काम जो है काफ़ी तेज़ी से चालू है, बहुत तेज़ी से कार्य जो है चल रहा है। अभी देखिए इधर बना नहीं है, रोड डाली नहीं गई है, इधर ही राम मंदिर की तरफ निर्माण होते हुए आ रहा है। और इधर देखिए घरों के डिज़ाइन को बनाया जा रहा है। पूरा राजद्वार पार्क है, इसका किनारे किनारे हिस्सा जो है उस तरफ में तोड़ दिया गया है, बाकी देख सकते हैं ये बगल से ही राम मंदिर को रास्ता जाता है। और सामने की तरफ बिल्कुल राम मंदिर बन रहा है, वहाँ लगी हैं मशीनें, और ये है राजद्वार मंदिर।
ये रहा हनुमान गढ़ी के सामने का कुछ नज़ारा। इस तरीके से पीछे है हनुमान गढ़ी का मंदिर, जो झंडा दिख रहा है रेड कलर का मंदिर है, और ये है राजद्वार मंदिर जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। तो आई होप आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जो भी लोग आगे राम मंदिर आना चाहेंगे उनके लिए मैंने एक अच्छा सा मार्गदर्शन किया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर से किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।